लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को किया जाएगा। इससे पहले यूपी में समाजवादी पार्टी कुनबे में राजनीति गर्मा गई है। दरअसल मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन के टिकट को काट कर अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया है। बता दें, समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद की लोकसभा सीट से पहले सांसद एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया था। एसटी हसन ने मंगलवार को अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन के टिकट को काट दिया और उनकी जगह पर रुचि वीरा को अपना नया उम्मीदवार घोषित कर दिया। एसटी हसन ने भी स्वीकार कर लिया है कि वो अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे और अपना पर्चा वापस लेंगे। लेकिन राजनीतिक जानकारों के लिए भी एक बड़ी पहेली बन गई है कि ऐन मौके पर एसटी हसन का टिकट काट कर एक ऐसे सीट पर जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं, वैसी जगह सपा ने एक हिंदू कैंडिडेट क्यों उतारा। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे अखिलेश ने ऐसा क्यों किया। उससे पहले जान लेते हैं कौन है रुचि वीरा। रुचि वीरा का जन्म 2 सितंबर 1961 को हुआ था। मुख्य रूप से बिजनौर की रहने वाली रुचि वीरा ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही की थी। इसके बाद साल 2014 में पहली बार वो बिजनौर सीट से विधायक चुनी गई और साल 2017 तक विधायक रही थी। इसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद रुचि वीरा ने बसपा ज्वाइन कर लिया था। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा ने रुचि को बिजनौर से अपना उम्मीदवार बनाया। इस दौरान उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साल 2023 में बसपा ने भी रुचि को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद रुचि फिर समाजवादी पार्टी में लौट आई। बता दें, रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की चहेती मानी जाती हैं। कहते हैं कि आजम खान के कहने पर ही समाजवादी पार्टी में उनकी घर वापसी हुई थी। पर्चा भर चुके हसन का टिकट क्यों कटा। इसके पीछे जो वजह मानी जा रही है वो है पिछले दो चुनावों के नतीजों के आंकड़े। सबसे पहले बात करते हैं 2014 में हुए मुरादाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव की। 2014 में चली मोदी लहर का असर यहां भी देखने को मिला था। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के कुंवर सर्वेस कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। कुंवर सर्वेस कुमार सिंह को 4,85,224 वोट मिले थे और वोट प्रतिशत रहा था 43%। एसपी उम्मीदवार एसटी हसन 3,97,720 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। एसपी उम्मीदवार एसटी हसन का वोट प्रतिशत 35.26% था। तीसरे नंबर पर बीएसपी के मोहम्मद याकूब थे, जिन्हें 1,60,945 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत था 14%। कांग्रेस की बेगम नूर बानो को 19,732 वोट मिले थे। अब नजर डालते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़ों पर। 2019 के चुनाव में एसपी और बीएसपी में गठबंधन था, जिसका सीधा फायदा एसपी उम्मीदवार एसटी हसन को मिला था। एसटी हसन 6,49,538 वोटों के साथ पहले नंबर पर रहे थे। एसटी हसन को 2014 चुनाव के मुकाबले 15% ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को 5,51,416 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत था 43%। आंकड़ों से साफ पता चल जाता है कि अखिलेश ने एसटी हसन का टिकट काट कर रुचि वीरा को क्यों दिया। बीजेपी उम्मीदवार के वोट प्रतिशत में कोई भी बदलाव नहीं आया है और इस बार भी लगभग तय है कि ऐसा ही होगा। लेकिन मुरादाबाद के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 45% से ज्यादा मुसलमान हैं और पिछले कई सालों से यही वर्ग इस सीट पर हार जीत तय कर रहा है। अखिलेश इस बात को समझ चुके हैं कि बीजेपी के हिंदू कैंडिडेट के सामने अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं तो हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण होगा और बीजेपी के पक्ष में वोट जाएंगे। ऐसे में अगर यहां से किसी हिंदू कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है तो बीजेपी के वोट बैंक पर सेंध लग जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव ने बीजेपी की काट तो खोज ली, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। बीएसपी ने मोहम्मद इरफान सैनी को यहां से टिकट दिया है। अगर चुनाव में मोहम्मद इरफान मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगाने में कामयाब रहते हैं तो नुकसान एसपी का ही होगा। अखिलेश यादव का ये दाव कितना सही बैठता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा।